हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला कहाँ जाएंगे। ये भी मोहब्बत है, मोहब्बत एक अजीब चीज़ है, इंसान को जलील करवा के रखते, यकीन करें आप। ये लोग मोहब्बत करने वालों को पता है मोहब्बत क्या होती है। ये जो लोग हैं जो मोहब्बत करते हैं उनको मालूम है राजे से पूछे उसको क्या मिला, मजनू से पूछे उसको क्या मिला, मिर्जा से पूछने की चीज उसको काफी कुछ मिल गया था। तो दोस्तों हमारे आज के इस प्रोग्राम में ये जो मेरे दोस्त लाइटें मार रहे हैं, ये मुझे पता है किसको ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों आप हम जिस फनकारों को आपके सामने ला रहे हैं, ये एक ऐसी हमारी समझ लीजिए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी फनकार हैं जिनके बारे में मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने जिस दौर में इस फन में कदम रखा उस वक्त फिल्म स्टार शबनम, बाबरा शरीफ, और वो दौर था बाबरा शबनम का, उस दौर के अंदर एक और पंजाबी फिल्मों में उस वक्त अंजुमन थी। अंजुमन बाबरा बेटा क्या अब्बा ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है, कुछ है इस तो उस वक्त जो है उस दौर में अपनी हैसियत को मनवाना, उस दौर में अपना आप मनवाना, उन तीनों बिग स्टार्स में से निकलकर अपने लिए नंबर वन की पोजीशन पर आना एक बहुत कठिन मरहला था। इस फनकारा ने पहली फिल्म में इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस की और इस तरह का स्टाइलिश अपना डांसिंग उन्होंने स्टाइल दिया पाकिस्तान की स्क्रीन को कि देखते ही देखते चंद सालों में इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी नंबर वन हीरोइन। मैं उनके बारे में कहता हूं कि क्या हुस्न है, क्या रूप है, क्या जमाल है, क्या हुस्न है, क्या रूप है, क्या जमाल है, वो भीड़ में भी आए तो तन्हा दिखाई दे। चंदा चंदा उसको देखने आए, सूरज रोशनी करके ढूंढे, मस्त हवाएं झूला झुलाए, बादल आकर उसे लहलाए, तारे उसकी मांग सजाए, मौसम उसके नाज उठाए, सरगम गाकर छेड़े, और उसके हुस्न में कैसी तपिश है, आग में आग लगवाए जब आपके सामने रीमा आए।
आपसे दान मिल जाए, असल को फनकार नहीं होता जो अपनी खुद जात में जीता होता।